नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप आईवीटीवी देख रहे हैं। क्या एनडीए से सीएम नीतीश कुमार जो है अलग हो गए हैं या फिर वो कुछ सोच रहे हैं ऐसा करने की? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा कि किस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये कहा था कि पहले की तरह अब एनडीए में रिश्ते जो है पहले जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं दरारें पड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ खटास है। ऐसे में बड़ा सवाल आज ये सामने आया है कि क्या एनडीए से सीएम नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। ऐसे में अलग अलग राज्यों के जो है मुख्यमंत्री वहां जाएंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हो रहे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:15 से शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू होगा, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी, इसके साथ ही आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जो समर्थन है वो जदयू ने किया है। राष्ट्रपति जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारा समर्थन आपको जाएगा, लेकिन आज जब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण लेने वाली हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जो है वहां शामिल नहीं होंगे, इस समारोह में इसका हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि यही बड़ी वजह है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने की राह पर चल पड़े हैं और लगातार इस तरह के बयान और खटास जो बिहार की सियासी गलियारों से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और जदयू में जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक साथ होने के बावजूद भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जो है छींटाकशी करते नजर आ रही है। वहीं आज जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, वहीं एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी सीएम नीतीश कुमार जो है आज इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। बिहार सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की बात अब तक नहीं आई है। वहीं जानकारी के अनुसार आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक गढ़ी मार्ग में आयोजित सामान्य बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और आज जब द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी राष्ट्रपति के तौर पर तो इसमें भी वो इसका हिस्सा नहीं होने जा रही है। बताते चले कि आज सुबह 10:15 द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसके बाद करीब 10:20 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। नए राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। संसद के सेंट्रल हॉल में समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारों में और खासकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जो बातें अब तक सामने निकल कर आ रही हैं वो यही दर्शाती हैं। और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार आज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को ये इस बात की पुष्टि होती है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने वाले हैं या फिर एनडीए की राह से अपनी राहें जो है वो जुदा कर सकते हैं। आप देख रहे थे आईवीटीवी। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आईवीटीवी के साथ बने रहे। धन्यवाद। आईवीटीवी देखता है इंडिया।